Welcome, my dear genius friend. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of social science from Vaj assignment. And today we are going to solve section C of paper 2. So in the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel. For more videos and updates, stay tuned. So now let's start. Our section C, write detailed answers of any out of 9. Six question का आपको आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन के जो है 3 मार्क्स कैरी करता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थ गुजरात बेस्ड टेंपल बिल्ड ऑन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो यहां पे ये चीज को याद रखिए. देखिए, आपने याद कर लिया कि भाई कोई पर्टिकुलर, जैसे सन टेम्पल के बारे में याद कर लिया, सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा. अब उसके बदले उसने ऐसा पूछ लिया कि बिल्ट ऑन ईरानियन स्टाइल. नाउ यू विल बी कंफ्यूज, क्योंकि इसीलिए यू हैव टू कीप ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल इन योर माइंड, ओनली देन यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो यहां यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दे आर आस्किंग अबाउट द सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा. तो सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा वॉज बिल्ट इन 1026 AD ड्यूरिंग द रैन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट के रैल में ये बना था. इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडीड इन द मिडिल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड. सूर्य देवता का जो मुकुट था उसमें एक रत्न लगा था. द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम एंड बिकॉज ऑफ इट द एंटायर टेम्पल इज इल्यूमिनेटेड. अब ये जो सन टेम्पल बनाया है तो यहाँ पे क्या होता, जब भी सूर्योदय होता था तो सूरज की पहली किरण जो भगवान सूर्यदेव के मस्तक पे जो मुकुट था उस पर गिरती और पूरा जो मंदिर था वो प्रकाशित हो जाता था. 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एंड इरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल. यहाँ पे सूर्य देवता की डिफरेंट इमेजेस लगाई गई है 12 महीने की. 12 यानी जो 12 महीने को दिखाई देता है. द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट. देर आर 108 स्मॉल टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट्स अ प्लेजेंट साइट एट डस्क एंड डॉन. यहाँ पे 108 छोटे टेम्पल्स हैं जहाँ मेन जो मंदिर है उसके आप नीचे आओगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब है. तालाब के किनारे पे 108 टेम्पल्स बनाए गए हैं. जब आओ जहाँ पे डस्क एंड डॉन, इसको याद रखो, डॉन यानी प्रभात जब सूर्य होता है, डस्क यानी गोधूली का समय जब सूर्य अस्त होता है, उस समय बहुत ही एक प्लेजेंट मोमेंट वह समय क्रिएट होता है. पीपल ऑफ मोहेजोदाड़ो वेयर केयरफुल अबाउट देयर पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन. अब देखिए, हेल्थ एंड हाइजीन का पूछा है, यानी आपको यहां पे क्या याद रखना है, आपको उनकी गटर सिस्टम के बारे में बताना है और स्विमिंग पूल के बारे में, बराबर. तो ये मतलब दे विल नॉट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर आस्किंग, उसके बाद आप आंसर लिखिए. ड्रेनेज सिस्टम वॉज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन. सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड हियर एक्सेप्ट इन द आईलैंड ऑफ क्रीट. देखो, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उस समय खाली क्रीट जो आइलैंड था उसमें देखने को मिलता था, उसके अलावा दुनिया में उस समय कहीं पर भी नहीं था. दिस सिस्टम वॉज सूट टू ड्रेन डर्टी वाटर फ्रॉम द टाउन. इस सिस्टम से जो टाउन का डर्टी वाटर था उसको टाउन से बाहर ले जाते थे. ईच एंड एवरी हाउस हैज अ सेसपिट. सेसपिट यानी खारकुआ बोले हम, जिसमें पानी जाता था, फिर वो खारकुआ या सेसपिट ओवरफ्लो हो जाता था, फिर वहां से मैन जो गटर थी उसमें पानी जाता था. This planned systematic and efficient drainage system clearly proves that the people were very careful about their health and hygiene. तो ये जो planned systematic drainage system है, इससे prove होता है कि the people of Mohenjo-daro, they were very conscious about their health and hygiene. Next question is, give details of the Buddhist literature of ancient time. एंशियंट टाइम में बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या आपको डिटेल देना है. तो द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटर्न इन पाली. ये पाली उस समय की पाली और प्राकृत उस समय की भाषा थी.
अब वो उस समय जो संस्कृत भाषा जो थी वो एलिट क्लास की भाषा थी, पर्टिकुलर लोग उसको बोलते थे। जैसे आज इंग्लिश की बात करूँ तो आज भी इंग्लिश बोलने वाले हमारे देश में बहुत कम है। सो वी कैन से इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास। तो भगवान बुद्ध ने सभी लोगों को ज्ञान देने के लिए पाली भाषा में अपना प्रवचन दिए थे, तो उसके कारण उनके जो बुक्स थी वो भी पाली भाषा में लिखी गई थी। एज इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन इट इज नॉन एज त्रिपिटक। ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक में क्या आता है? सुक्त पिटक। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स बिटवीन बुद्ध एंड हिज डिसाइपल्स। भगवान बुद्ध ने अपने जो डिसाइपल ने शिष्य को जो ज्ञान की बातें कही थी उसको जिस बुक में लिखा गया दैट इज सुक्त पिटक। बुद्धास रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर गिवन इन विनय पिटक। भगवान बुद्ध ने कुछ यम नियम बनाए थे उसको समावेश किया गया विनय पिटक में। द फोर्थ थर्ड बुक ऑफ दिस टाइप इज अभिधम्म पिटक। तो याद रखना सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, मिलिंद पहनो इज एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर विच कंसिस्ट इन इट्स डायलॉग्स बिटवीन द इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर एंड नागसेन द बुद्धिस्ट फिलोसोफर। तो एक ग्रीक जो कमांडर था, रूलर सॉरी मिनेंडर, उसके और एक बौद्ध साधु थे जिनका नाम था नागसेन, उनके बीच में जो डिस्कोर्स हुआ है बुद्धिज्म को लेके उसको जिस बुक में लिखा गया उसका नाम है मिलिंद पहनो। हंड्रेड्स ऑफ जातक स्टोरीज आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। जातक स्टोरीज क्या है? इन स्टोरीज में भगवान बुद्ध ने अपने जो उनके पिछले जीवन थे उनकी कहानियां इसमें बताई है। दीज टेल्स वेर नॉन फॉर वीट एंड दे बिकम थीम ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर टू। अब ये जो जातक कथाओं में जो कथाएं आई उनके आधार पर बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी बनाया गया था। इन द लेटर पीरियड मैनी बुद्धिस्ट एपिक्स वेयर कंपोज इन संस्कृत। अश्वघोष बुद्ध चरित, अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित। तो यू हैव टू कीप इन माइंड विच बुक वॉज रिटन बाय अश्वघोष, तो इट वॉज बुद्ध चरित। और दे मे आस्क हु रॉट बुद्ध चरित, तो अश्वघोष रॉट बुद्ध चरित। तो दीज वेर द फेमस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। वॉट इज मीन्ड बाय रिसोर्सिस डिस्क्राइब इट्स असेज। तो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाई पार्शली और कम्प्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। जो आदमी है उसकी जरूरतों को पार्शली हम पूरा कर सकते हैं किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा। इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। यानी कि आदमी अपने इंटेलिजेंस से जिस चीज का यूज कर सकता है That is, those are resources. अब resources के type देखिए, what are the resources? The uses of food. देखिए इसको simple way में लिखना है, food है, okay? Raw material है। तो various requirements of man are compiled by various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food. यानी nature हमको क्या क्या देती है as food, वो हमको इसमें लिखना है. Okay? We get crops and fruits from the natural resources. We also get fish and honey from the natural resources. Mean to say, you have to write the, in your own language, in a simple language. Resources are just source of raw material. So first of all, you must know what is raw material. Raw material, जैसे मैं कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो कॉटन के कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन है, that is raw material. For example, आपको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए जो आयरन है, आयरन, you mean to say, आयरन है, वो क्या है? Raw material है. So we get raw material from for agro products. For example, जो sugar है, sugar बनाने के लिए आपको raw material कहाँ से मिलेगा? Sugar cane से मिलेगा. Okay? Wools, wool के बनाना हो तो आपको wool कहाँ से मिलेगी? Sheep से मिलेगी. बराबर? Mineral ores, फिर हमको जैसे different industry है उसके लिए
जो मिनरल्स होते हैं उसके द्वारा जो इंडस्ट्री अपनी चीजें बनाती है। रिसोर्सिस एज एनर्जी रिसोर्सिस, अब जो रिसोर्सिस है उसमें से हम एनर्जी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल पेट्रोकेमिकल्स, वी यूज कोल एज अ फ्यूल एंड वी गेट मैनी मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सिस, वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन द इंडस्ट्री। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर आइसोलेशन, सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स। तो अब जो सोलर एनर्जी का जो यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सिस। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एनर्जी, विंड मिल्स को जो हम चलाते हैं दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। राइट नॉट्स ऑन एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट। ब्रह्मपुत्र से लेकर सतलुज, सतलुज पंजाब में, वहां पे ये जो जमीन है फर्टाइल बनाती है, जो रिवर्स होती है वो फर्टाइल लैंड बनाती है। उनका जो रीजन होता है डेल्टा रीजन, इट इज वेरी फर्टाइल, द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, दीज आर वेरी, दी द सॉइल ऑफ दिस प्लेसेस आर वेरी अल्यूवियल। द फॉर्मेशन ऑफ अल्यूवियल डिस्पोजिशन डिपोजिशन बाय द रिवर्स, देयर इज मोर प्रपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल, देयर इज अ लेस प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ये जो सॉइल है इनमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन अच्छी क्वांटिटी में होता है। इफ द क्रॉप ऑफ पल्सिस इज ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड। अब ये चीज मैं बताऊँ तो जो पल्स होती है, पल्स यानी दाल, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज राइजोबियम और इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, एटमोसफियर में से नाइट्रोजन का यूज करता है एंड दैट नाइट्रोजन इज डिपोजिटेड इन द सॉइल, तो सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है। तो अगर पल्स की खेती करते हैं तो नाइट्रोजन की भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्रॉप्स लाइक वीट, पेडी, सुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। ऐसी सॉइल में गन्ना, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्टेट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो पहले इसका मतलब समझिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड बना है ग्लोब से, ग्लोब मतलब अर्थ। तो जब हम दुनिया के सारे जो कंट्रीज है उसको मिला देते हैं, उनके साथ मिलकर के जब बिजनेस होता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इट हैज बीन मोर देन 1.5 decades सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991। द फॉलोइंग आर इट्स इफेक्ट्स। एडवांटेज, अ हाई राइज इन द एक्सपोर्ट्स, अ हाई राइज इन ग्रोथ रेट। हमने जब से ग्लोबलाइजेशन अपनाया है तो हमने हमारा जो एक्सपोर्ट है मार्केट में बढ़ा है। अ हाई रेज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी क्या हुआ कि फॉरेन की कंट्रीज ने आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है। दस देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीडिंग टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एंड इंक्रीज इन इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसा है कि जब FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ी, तो उसके कारण लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइस राइज होता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ता है। द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज ऑन इन्वेस्टमेंट। प्राइस राइज यानी भाव बढ़ना।
तो इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इंक्रीज द स्पेंडिंग एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हायर. तो प्राइस राइज के कारण क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है. इट इफेक्ट्स द सेविंग ऑफ द पीपल. अब ये सेविंग में कैसे फर्क पड़ता है? तो प्राइस राइज के कारण क्या होता है, जो बेसिक नीड्स है उसकी, वो चीजें जो होती है उनकी भी प्राइस बढ़ जाती है. तो आदमी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा या सेविंग करेगा, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बेसिक नीड्स पूरे करने में चला जाता है, तो उसकी सेविंग घट जाती है. द वैल्यू ऑफ द पीपल, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज. पैसे का जो अवमूल्यन होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड हाईली, और उसके कारण जो वस्तु है उसकी प्राइस बढ़ जाती है. जिम्बाब्वे इज रिमाइंडेड बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, द बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी डिक्रीज, पीपल इन्वेस्ट इन वैल्यूएबल गोल्ड एंड एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, द सेविंग्स. फ्रेंड्स, देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट रिटन प्रॉपरली. देयर इज सम मिस्टेक, सो मैं इसको एस्केप कर रहा हूं. हाँ, सो हम ये क्वेश्चन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं. क्लेरिफाई द रोल ऑफ कंज्यूमर सोसाइटीज इन प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोडक्शन. कंज्यूमर सोसाइटीज जो होती हैं उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रोल प्ले किया है. तो कंज्यूमर प्रोडक्शन फोरम डू द फॉलोइंग वर्क, दे ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्टिविटीज लाइक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसिस, इंटरेक्टिव लेक्चर्स एंड एग्जीबिशन टू प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस. तो कंज्यूमर सोसाइटी अलग अलग डिबेट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, उसमें कंज्यूमर्स को बताते हैं कि उनको क्या केयर करना है, उनका राइट्स क्या है एंड हाउ दे हैव टू परचेज एनीथिंग. तो लोगों में अवेयरनेस आती है. दे ऑर्गेनाइज टॉक शोस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन. वो रेडियो और टेलीविजन पे टॉक शो रखते हैं तो लोग उनको सुनते हैं और देखते हैं. दे बिकम वेरी अवेयर. They write articles bringing consumer awareness in newspaper. इनके द्वारा newspaper आता है, weekly भी आते हैं जिसमें ये awareness का काम करते हैं. They publish bi-monthlies like ग्राहक सुरक्षा. ये नाम याद रखना, ग्राहक सुरक्षा, insight and the consumer. तीन नाम याद रखना, it is they are asked again and again. ये जो magazines है इससे कारण जो consumer है उसको educate करते हैं. Such forums take legal action against traders and producers engaged in the activities like adulteration and black marketing after collecting sufficient information and provide justice to the consumer. तो adulteration यानी मिलावट, जो producer अपने माल सामान में मिलावट करते हैं और जो consumer, जो producers black marketing करते हैं उनके खिलाफ ये लोग proof इकट्ठा करते हैं and they take action against those kind of the producers. The forum engages a lawyer on behalf of the consumer and sends notice to the trader if necessary, files a case in the court and provides justice to the consumer. अब जैसे मान लिया आप consumer जो forum है उसमें जाएंगे, आपके साथ अन्याय हुआ है तो they will appoint a lawyer for you. अगर necessary हुआ तो court में case file किया जाता है और उसके बाद केस होता है. दे प्रोवाइड कंपनसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस एंड मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग एंड इम्पोज पेनल्टी ऑन द गिल्टी. अगर कोई प्रोड्यूसर है उसके कारण कंज्यूमर को मेंटल और फिजिकल सफरिंग हुआ है तो उसको कंपनसेशन मिलता है. कंपनसेशन यानी पैसा, और उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है. दीज फोरम्स ऑर्गेनाइज कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम टू एंश्योर दैट the consumer gets goods and service of good quality and easily and quickly for the money they spend by providing information about their rights, the laws, remedial measures and about safe and durable appliances. तो ये जो है consumer में awareness लाते हैं और उसके कारण consumer को ऐसी awareness लाते हैं जिससे उसको good quality का और proper पैसे में उसको products मिल सके. दे हेल्प इन पनिशिंग द गिल्टी. अब जैसे कंज्यूमर है वो केस को उसको कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं होती है. कंज्यूमर कोर्ट्स में हो जाता है, फिर कंज्यूमर कोर्ट्स को उनको सारा लॉ का नॉलेज होता है, फिर वो जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो उसके खिलाफ, जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वो गिल्टी के खिलाफ में केस करते हैं.
जो गिल्टी है उसको पेनल्टी भरना होता है. एक्सप्लेन द टर्म्स एजुकेशनल इंडेक्स, बर्थ रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एजुकेशनल इंडेक्स, इट्स टू सब डायरेक्शंस आर एज फॉलोस. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इट इज द ईयर्स स्पेंड इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ 25. यानी 25 की ईयर तक कोई भी व्यक्ति ने स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया, दैट इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. फॉर विच हाइएस्ट 13.3 ईयर्स एंड लोवेस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड. सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, एवरेज ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज 5.4 ईयर्स. इंडिया में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है? 5.4 ईयर्स, ये याद रखना है. एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अप्रोक्सीमेट ईयर्स दैट ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल. अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड यानी कितना उसको स्पेंड करना चाहिए. फॉर दिस हाइएस्ट 18 ईयर्स एंड लोवेस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड. और जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए हाइएस्ट 18 रखा है और लोवेस्ट कितना है? 0. एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज 11.7 और इसकी एवरेज ईयर है 11.7. बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट. यानी एक वर्ष में जो 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा होते हैं, 1000 जो कपल है उसमें कितने बच्चे पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ रेट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश बाय UNDP इन विच 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज कलेक्टिवली. एवरेज एज, नॉलेज, लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? तो कोई भी कंट्री उसकी जो टोटल इनकम है उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो जो हमको फिगर मिलता है दैट इज पर कैपिटा इनकम. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सेक्शन सी पूरा होता है. आई एम श्योर यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी नाइस डे.